नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली जिला सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बाकी जिले भी देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, फिर सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, इसके अलावा सबसे दक्षिण में जिला बुरहानपुर है और सबसे पश्चिम में जिला है अलीराजपुर। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। हमारे ऑप्शन है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार या रीवा बन्ना का पठार। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको परीक्षा के बारे में बता देना चाहता हूं, जहां आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इस परीक्षा प्रो पास में आपको एमपी वापम, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, पटवारी, वन रक्षक, इन सभी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, वो भी पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ। और अगले एक साल में जो भी नई टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप में आएगी वो भी आपके प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। वैसे प्रो पास की प्राइस 499 रुपए है, लेकिन यदि आप मेरा कूपन कोड GS40 यूज करते हैं तो आपको पूरे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको पे करना होगा सिर्फ 300 रुपए। और अभी जो ये ऑफर चल रहा है ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए है, तो हो सकता है बाद में आपको ये ऑफर ना मिले। तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है कि 33वीं नेशनल जूनियर एवं सब जूनियर केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। ये ट्रॉफी जीती है हमारे मध्य प्रदेश ने। आप देख सकते हैं स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट का ट्वीट भी है कि 33वीं नेशनल जूनियर एवं सब जूनियर केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट अकेडमी के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी पर कब्जा किया है, यानी कि ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीत ली है। इसके अलावा अभी हाल ही में ही 31वीं राष्ट्रीय सीनियर केनो स्प्रिंट कायाकिंग चैंपियनशिप 2021 में जो मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकेडमी की खिलाड़ी है कावेरी ढीमन, इन्होंने अकेली नहीं इसमें 7 स्वर्ण पदक जीते थे और इनका संबंध मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है। वो जो प्राची यादव है इन्होंने पोलैंड में आयोजित की गई थी ICF केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप और ये पेरा केनो चैंपियनशिप थी, इसमें इन्होंने 1 कांस्य पदक हासिल किया था, किन्होंने? प्राची यादव ने। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा वर्ष 2021 के शिखर सम्मान की घोषणा की गई है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति विभाग द्वारा। आप देख सकते हैं हमारे जनसंपर्क विभाग उज्जैन का ट्वीट भी है कि संस्कृति विभाग के वर्ष 2021 के राज्य शिखर सम्मानों की घोषणा कर दी गई है और इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य शिखर सम्मान दिए जाएंगे। इनके अलावा जो संचालक है संस्कृति विभाग की अदिति कुमार त्रिपाठी, इन्होंने बताया है कि संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत इन आदि विधाओं में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भी हाल ही में ही मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा वर्ष 2019 के अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कृति पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग मंत्री कौन है, यह है सुश्री उषा ठाकुर। और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव कौन है, यह है श्री शिवशेखर शुक्ला। अगला प्रश्न है शासकीय घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर शासकीय घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स निर्मित है और पहली बार मध्य प्रदेश में राज्य घुड़सवारी अकेडमी में क्रॉस कंट्री इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री कौन है, यह है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। तो पहली बार मध्य प्रदेश में राज्य घुड़सवारी अकेडमी में क्रॉस कंट्री इवेंट आयोजित होगा और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसका खुद का क्रॉस कंट्री कोर्स है। भारत में क्रॉस कंट्री इवेंट आर्मी द्वारा निर्मित घुड़सवारी कोर्स में ही किए जाते हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी है इसमें राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है।
और इस चैंपियनशिप का आयोजन 12 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा। अगला प्रश्न है, तानसेन संबंध 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त अरब ऑप्शन नंबर ए, पंडित नित्यानंद जी को। आप देख सकते हैं इस पर पत्रिका का आर्टिकल भी है कि तानसेन समारोह में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी को, ये हल्दीपुर को तानसेन अलंकरण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2021 से पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को सम्मानित किया गया है, और हाल ही में ही किशोर कुमार सम्मान 2021 से विवेक रंजन अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया है, और लता मंगेशकर सम्मान 2021 से कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर की हेमलता शर्मा को साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त अरब ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर से संबंधित है हेमलता शर्मा जी। आप देख सकते हैं इस पर आर्टिकल भी है कि इंदौर की हेमलता को मिला है TGT साहित्य रत्न सम्मान, और जो ये सम्मान दिया गया है ये उत्तराखंड की साहित्यिक संस्था दिग्राम टूडे प्रकाश समूह द्वारा 2 दशक से साहित्य क्षेत्र में जो योगदान देने वाली हस्तियां हैं इनमें हेमलता शर्मा भी शामिल है, इन्हें ये साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 2 दशक से अधिक समय से साहित्य सृजन करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रचनाकार हेमलता शर्मा को साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा साहित्य जगत का प्रतिष्ठित तुलसी माखन सम्मान इस बार प्रख्यात गीतकार और गजलकार सूरज राय को दिया जाएगा, और हाल ही में ही मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा पार्श्व गायिका अलका याग्निक को वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब हम 23 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुयाना देश के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग में क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोक निर्माण विभाग में, और लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं श्री गोपाल भार्गव। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने कितने आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत संयोजन किए जाने की स्वीकृति दी है? तो ये दी गई है 31,425 भवनों में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस नीति का अनुसरण किया गया है? तो संयुक्त अरब ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 का। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 का अनुसमर्थन किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में एक एक महिला थाना स्थापित किया गया? तो एक एक महिला थाना मध्य प्रदेश के 52 ही जिलों में स्थापित किया जा चुका है, और मध्य प्रदेश का प्रथम महिला थाना यह भोपाल में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश में चर्चित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले में स्थापित की जा रही है। आयुष विभाग द्वारा किस शहर में स्वास्थ्य शिविर और आयुष मेला आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भोपाल में। हाल ही में 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो 25वीं नेशनल यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पन्ना जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा समागम के पोस्टर का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर मोहन यादव ने, और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री हैं। श्री इंदर सिंह परमार ये स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री हैं। श्री विश्वास सारंग ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री हैं, और श्री गोपाल भार्गव ये मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक योगदान पर आधारित राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। बटिक प्रिंट को किस जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है? बटिक प्रिंट को शामिल किया गया है उज्जैन के लिए, जबकि जो बाघ प्रिंट है उसे धार जिले के लिए शामिल किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेस्क्यू स्क्वाड प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है वन विहार नेशनल पार्क में। हाल ही में कहां पर स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो
स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है भोपाल में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।